एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अभी मैं पता है तैयार हो के रील वगैरह बनाने के लिए बाहर गई थी, लेकिन मेरी पोपट हो गया, जैसे जेठालाल में बीच में आके बोलते हैं, जैसे आप बोल रहे हो, क्योंकि जो है पार्क इस टाइम बंद था और पहले ओपन रहता था, लेकिन अब वो बंद रहा करेगा, दिन में सुबह शाम ओपन रहता है वो मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम। तो मेरा पोपट हो गया, रील वगैरह नहीं बन पाई क्योंकि मैं वहाँ पे गार्डन में अच्छे से रील बनाने की सोच रही थी, क्योंकि दिन में बहुत कम लोग होते हैं ना इसी वजह से, और शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इसी वजह से मैं गई थी लेकिन नहीं बन पाई मेरी रील। तो अभी मैंने यहीं पे एक दो तीन रील शूट करी, मैंने दो तीन रील यहीं पे बना ली है, घर पे ही बना ली है, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ तो सोचा चलो बना ही लेते हैं, तो इसलिए मैंने वो रील बनाई है और मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड भी कर दिया, आप जाके देख सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी दैट्स कवि है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो मेरा सिल्वर प्ले बटन आ गया, मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचा था कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगी वैसे बनाऊंगी, पर ऐसे ही माहौल में थी मैं उस टाइम की, मैं वीडियोज वगैरह नहीं बना पाई, लेकिन मेरे दिल में अभी तमन्ना है कि देखो मेरा सिल्वर प्ले बटन आ चुका है। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब से मुझे इतनी गालियाँ पड़ी है ना, हद से ज़्यादा, तो मैंने बहुत गुस्सा आया है मेरे सिल्वर प्ले बटन के लिए। अभी वो मैंने भले ही साइड में रख रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उसको अच्छे से सेट करके रखूंगी तो आपको हर वीडियो में वही वही दिखाई देगा। तो जितने लोग मुझसे जलते हैं ना, उनको वो दिखेगा ना, जब उन्हें अपने आप उनके मुंह पे तमाचा लग जाएगा कि हाँ भाई हम लोग बुराई करते हैं, कुछ नहीं होता बुराई करने से। तो अभी भी बहुत लोग हैं जो जलते हैं, जल जल के भून रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। और भाई मैं पहले बहुत ज़्यादा मैंने गालियाँ भी सुनी हैं, ताने सुने हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर भी किया है लोगों ने मुझे, सामने से इग्नोर किया है, तो मैं जानती हूँ मैंने क्या क्या सहा। ये देखो हमारा छोटू जो बेबी ये मोबाइल चलाने में बहुत ज्यादा बिजी रहता है। अरे शैतान, इधर देख, मैंने नितान्या को भी रेडी किया था और हम दोनों माँ बेटी अच्छे से रेडी होके गए थे बाहर, लेकिन पोपट हो गया, हम दोनों के वीडियोस नहीं बने। मैंने नितान्या को शरारा पहनाया था और ये अच्छे खुश थी शरारा पहन के, बट क्या करें हमारा वीडियोस वगैरह नहीं बन पाए। अभी हम लोग जहाँ भी जाएंगे ना वीडियो वगैरह शूट करेंगे, क्योंकि मुझे डेली वीडियो डालने हैं, है ना। और मैंने तो एक टॉप पहना है और लहंगा पहना था फुल घेर वाला, और एक हाथ में जो मेहंदी लगी है उसमें मैंने रेड कलर की बैंगल पहनी थी, और ये वाला हाथ जो सिंपल है उसमें मैंने वॉच पहना था, ये वाला एक लड़की का हाथ लग रहा है और ये वाला एक औरत का हाथ लग रहा है ना। ये हो गया कर्नाटका में बीजेपी के साथ पोपट, इधर कविता के साथ पोपट हुआ, उधर कर्नाटका में बीजेपी के साथ पोपट हो गया। कविता मोदी मैजिक नहीं चला कर्नाटका में, हार गई बीजेपी, बहुत बढ़िया हुआ ना। अभी मैं सत्तू पीऊंगी, मैंने सत्तू खोल के रखा है, सुबह से बहुत इच्छा थी, लेकिन क्यों हमने क्या कर दिया भाई, हमें पसंद नहीं है सत्तू। सत्तू किस चीज का बनता है, धानी का बनता है। धानी किस चीज की बनती है, जौ की। सिर में लग गई, इसके साथ भी हो गया पोपट, लग गई सिर में, ए चेहरा उतर गया, लग गई डूब गया, गया नीचे, लग जाएगी बेटा, आ जाओ। अब बता, देखा फैशन शो में कैसे जाते हैं बताना, फिर कैसे आते हैं, रैंप वॉक करेंगे। बेटी का है जिसमें बेटी लूस रही है, चलो अब इसको सोना है, चलो।
बस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं ले गई हूँ, आज मैं लेकर बैठ गई हूँ अपना फोन और बना रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने खाना वगैरह बना दिया है और नितान्या और उसके पापा और मेरी ननद है वो तो सो ही रहे हैं अभी, और वो जब उठेंगे उसके बाद मुझे ब्लॉग इतना नहीं बनाने देंगे, इसलिए सोच रही हूँ अभी बना लेती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले ही धन्यवाद आप सबका कर चुकी हूँ और बहुत बहुत ज्यादा सॉरी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि 1 लाख होंगे तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। कहते हैं ना, जिस चीज के लिए हम ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जब फिर वो टाइम आता है तो मतलब क्या ही हो जाता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं गांव में थी, मेरा सिल्वर प्ले बटन आने वाला था तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसी के साथ फिर मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई थी, उनका ऑपरेशन होना था। तो मतलब हमारे टेंशन का माहौल छा गया था, तो कहाँ का सिल्वर प्ले बटन रिसीव करूँ। मैंने सिल्वर प्ले बटन ही रिसीव नहीं किया, इतनी ज़्यादा मैं टेंशन में आ गई थी। तो उसका पूरा प्रोसेस है जो मैंने अपने भाई के ऊपर दे दिया कि भाई तू ही रिसीव कर लेना, तू ही पूरा प्रोसेस कर कि वो घर तक कैसे पहुँचेगा क्या है, जो फिर उसने ही पूरा प्रोसेस किया। मेरा तो बस मेरे हस्बैंड भी, फिर मेरे हस्बैंड को चेन्नई से गाँव में आना पड़ा, मेरे ससुर जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी ना इसी वजह से, तो फिर उन्होंने ही वो सिल्वर प्ले बटन रिसीव किया था जाके, तब जाके वो घर लेके आए। मैंने देखा, कुछ फोटो वीडियोस बनाए जो आप सबके साथ शेयर किए, तो उनमें भी आपको दिख रहा होगा कि इतना कोई खुशी का माहौल नहीं है, क्योंकि उस टाइम टेंशन चल रहा था पूरे परिवार में। तो इसी वजह से फिर मैंने कोई सेलिब्रेशन ही नहीं किया। सेलिब्रेशन करना तो दूर की बात है, हंसी भी नहीं आ रही थी, इतनी ज़्यादा खुशी नहीं थी, लेकिन चलो छोड़ो। उस दिन नहीं किया सेलिब्रेशन तो इसका मतलब ये थोड़ी आगे नहीं कर सकते, तो आगे जरूर करेंगे, लेकिन मैं आपसे मिल नहीं पा रही हूँ। मैं कितना सोचती हूँ कि अब जाऊँगी गांव तब मिलूंगी, अब जाऊँगी गांव तब मिलूंगी, अब आगे डिसाइड करूंगी, लेकिन इस बार मैं जब भी जाऊँगी ना तो सबसे पहले मैं आप लोगों से मिलूंगी, सबसे पहले मैं आप लोगों से मिलने का प्लान बनाऊंगी, उसके बाद मैं कोई प्रोग्राम अटेंड करूंगी, क्योंकि मैं पहले जाती हूँ प्रोग्राम अटेंड करती हूँ, फिर थोड़ी दिन रुकती हूँ और फिर कुछ ड्रामा हो जाता है, फिर हम लोग भूल जाते हैं, फिर मैं चेन्नई भाग के आ जाती हूँ, ऐसे ही हो जाता है, तो मैं आप लोगों से नहीं मिल पाती हूँ। सो मैंने खाना वाना तो बना लिया था, मैं खाना वाना बना के ब्लॉग बनाने बैठी थी, और अभी सुबह का टाइम हो गया है। सो मैं दिखाती हूँ आपको, एक बार बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी चेन्नई में, उमस है बहुत ज़्यादा, तो जिस दिन धूप पड़ती है ना उस दिन तो इतनी उमस नहीं लगती, लेकिन जिस दिन धूप नहीं पड़ती ना उस दिन बहुत ज़्यादा उमस लगती है। ये देखिए, ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे, अभी तो कम हो गए क्योंकि धूप आ रही है, देखो फिर भी फुटबॉल खेल रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं। अभी मैंने जो है धानी सत्तू बना के रख दिया है फ्रिज में, दही वगैरह भी निकाल लिया है। सत्तू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे झाड़ू वगैरह निकालनी है अभी। ये देखिए हमारा फैमिली फोटो, ये सारे सोते सोने से पहले जागने से पहले सब कुछ हमें यही दिखाई देता है हमारा फैमिली फ़ोटो। मुझे मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए मेरा गांव जाने का बार बार में मन करता है। और अभी मैं चलो साफ़ सफाई कर लेती हूँ, पूरे अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं सामान वगैरह। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ड्रेसिंग बनाया हुआ है अपना, जिसमें 3-3 मिरर्स हैं, एक छोटा है फिर उससे बड़ा है और एक उससे बड़ा है, और मैं फाइनली बड़ा लाने की सोच रही हूँ, लेकिन हम लोग रूम शिफ्ट कर सकते हैं इसी वजह से मैं नहीं ला रही हूँ, इसी वजह से मैं अपना सिल्वर प्ले बटन भी नहीं लगा रही हूँ। क्या है ना कि मेरा जो सिल्वर प्ले बटन है वो यहाँ लगाने का प्लान था, इस वाली वॉल पे, क्योंकि वॉल मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, और ये वॉल मेरी वीडियोस में बहुत दिखाई देती है, तो मैंने सोचा था कि मेरा जो सिल्वर प्ले बटन है मैं इसी दीवार पे लगाऊंगी। लेकिन जैसा कि हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं, हम जिस फ्लैट में रहते हैं ना, वो जो ये बिल्डिंग है ना जिसमें जितने भी फ्लैट है ना वो सबके अपने हैं, जिन्होंने सबने खरीद खरीद के रह रहे हैं, और एक हम ही हैं जो किराए से रह रहे हैं यहाँ पे, और सारे जो तमिल वाले हैं सबने खरीदे हुए हैं। तो ये वाला जो फ्लैट है ना वो भी हमारा जो रूम ओनर है उसको बेच रहा है, इस वाले फ्लैट को बेच रहा है वो, तो फिर इसीलिए
हमें शायद दूसरा रूम शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी वैसे बिक नहीं रहा, लेकिन वो पूरी प्लानिंग में कि उसको बेचना है, लेकिन अभी कोई खरीदार मिल नहीं रहा उसको इसका, इसी वजह से ये फ्लैट बिक नहीं रहा। तो मैं सोचू यार अगर वो बिक जाएगा और फिर इधर कील वगैरह में लगाऊंगी तो यहाँ पे पैसे भी निकालने काट लेते हैं, पहले से बहुत ज्यादा कील वगैरह लगी हुई है। तो मैं क्या है ना, अभी नहीं लगा रही सिल्वर प्ले बटन। मैं सोच रही हूँ अगर रूम शिफ्ट ही हो जाता है तो फिर मैं वहां अच्छे से लगाऊंगी ना, अच्छे से शिफ्ट करूंगी, मूर्ति जैसे पधारते हैं वैसे पधराऊंगी उसको भी। सो मैं इस वाले वॉल पे लगाऊंगी अगर मुझे लगाना होगा तो, वरना मैं उसको फिर अलग जगह अगर हम जाएंगे सपोज तो फिर मैं वहीं लगाऊंगी उसको, तब तक मैं अपने पास रखी रहूंगी, रखा रहेगा तब तक। और मैं अभी अपने बालों में मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि मेरे बाल जो बहुत ज्यादा वो हो गए, जब से मैंने स्ट्रेटनर करवाए ना अपने बालों को, स्ट्रेट करवाया ना जब से मैंने, तो मैंने केयर तो करी नहीं है बिल्कुल भी। और मेहंदी मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाई थी क्योंकि मेहंदी से क्या है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो जो वो क्रीम यूज करते हैं ना इन पे, वो क्रीम जल्दी से इफेक्ट नहीं करती है। तो मेरे जब पहले मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने स्ट्रेट करवाए थे ना अपने बालों को, तो जल्दी से हुए ही नहीं थे वो लोग, इतना परेशान हो गए थे, पूरा दिन निकल गया था मेरे बालों में। लेकिन मैंने सोच रही हूँ यार छोड़ो, स्ट्रेटनर मशीन तो है ही, इन बालों में अच्छे से मेहंदी लगाओ, बहुत अच्छे से खुशबू आया करेंगी, नेचुरल जो है वो बाल रखा करूंगी मैं अपने। और जब कभी स्ट्रेट करने का मन होगा तब मैं स्ट्रेट कर लिया करूंगी, इसलिए मैं अब इसमें मेहंदी फिर से लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने मेहंदी लगाना छोड़ दिया था 2 साल से। और फिर निताने हुई थी उसके बाद, तो वैसे भी बाल झड़ते हैं बच्चे होने के बाद, ऐसे कहते हैं बाल झड़ते हैं, तो बाल भी झड़ रहे थे मेरे थोड़े थोड़े, और इसलिए कम हो गए हैं बाल। सभी मेरे को ऐसे कहते हैं यार तेरे बाल कम हो गए हैं, तूने स्ट्रेट करवाए जब से खराब हो गए हैं ऐसे वैसे। लेकिन मैं इनकी केयर नहीं करी थी बिल्कुल भी, लेकिन अब मैं फिर से ध्यान देने वाली हूँ खुद के ऊपर और अपने बालों के ऊपर, इनकी केयर करूंगी। मुझे बहुत ज्यादा जोर आता है खुद की केयर करना वगैरह, यार जो है वैसे है नेचुरल है, लेकिन बालों में मैं अभी मेहंदी लगाने वाली हूँ। तो मेहंदी मैं ढूंढूंगी, मेरे पास रखी भी है, अगर नहीं होगी तो फिर कोई गांव से आ रहा होगा ना तो उससे मंगवाऊंगी। डबल हाथी मेहंदी लगाती हूँ मैं यहाँ पे, मुझे डबल हाथी ऐसा कुछ मिला नहीं है। वैसे मेहंदी तो यहाँ पे खूब है लेकिन ब्लैक वगैरह ऐसे ज्यादा है, वैसे भी होगी नेचुरल, लेकिन डबल हाथी हमें शूट करती है, जैसे हमें वैसे छोड़ नहीं सकते खुद को।